तो रिलीज डेड वीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारी आर्मी जैसे यहां पे जाती है रेड ऑर्डर सिटी में, सामने से कुछ बंदों का हमला हो जाता है जिसमें ना विचेस भी यहां पे थी, वो लोग अटैक इनके ऊपर कर देते हैं, लेकिन सामने समय सोल्जर्स भी यहां पे रुकते नहीं है, वो भी अटैक करते हैं। उनके विच जो विच यहां पे थी ना, विच को गोली मार मार के उसकी जान यहां पे निकाल लेते हैं, और जैसे उसकी जान निकालते हैं मैजिक एबिलिटी गायब। ऑफकोर्स भाई मर गई है तो मैजिक यहां पे बरकरार कैसे रहेगा। जो सिटी लॉर्ड था वो कहता सच में विच है जिसको चर्च वालों ने ट्रेन यहां पे किया है। तो सारे सोल्जर अपने समझाते उसे कि हाँ हमारे प्रिंस ने तुझे एक लेटर भी भेजा था, उस लेटर में डिटेल में ज्ञान पहला था कि हाँ भाई चैचोले बड़े कमीने हैं, एक तो भाई मासूम विचेस को मारते और कुछ विचेस को ना जानबूझ के अपने अंडर में रखे और उनको ट्रेन यहाँ पे करते हम जैसे लोग की बैंड बजाने के लिए, और साथ ही मासूम लोग को पिल खिला के उनको क्रेजी भी कर देते। क्या तुझे ये सारी बातों पर याद नहीं है? ये कहते याद है, मैंने लेटर पढ़ा था लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। एनएस कहते बकवास छोड़ो भाई, अभी भी हमारे दुश्मन मरे नहीं है, उनकी बैंड बजाओ। तो बाकी जो दुश्मन यहाँ पे थे उनकी बैंड यहाँ पे बजाते, फिर वो सिटी के जो चर्च है ना चर्च में यहाँ पे जाते हैं और चर्च में हमला करके उनका जो ट्रेजर हाउस है उसमें जाते हैं जहाँ पर उनको सोना चांदी दिखा देता है। आए थे लोग पिल के लिए नहीं उसके लिए भाई स्टोन के लिए, लेकिन खाली उनको सोना चांदी दिखा दिया। उतने में यहाँ पे शीश होता भाई उसके ऊपर, अरे क्या बोलते हैं जो था ना भाई अपना, अरे अरे ब्लड फैंग गैंग के जो लीडर यहाँ पे थी हैडी, जिसका यहाँ पे नाम था, जिसका भाई विश्वास है खाली लड़ाई करने वाली विचेस यहाँ पे अच्छी होती है, उसने अपनी दो विचेस को स्लीपिंग अलर्ट पर भेजा था जिसमें से एक का नाम यहाँ पे इफित अगर आपको याद होगा। वो सोचती भाई एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया वो दोनों यहाँ पे आई नहीं, ऊपर से उन दोनों ने कोई मैसेज यहाँ पे भेजा नहीं है, उन दोनों को यहाँ पे क्या हो गया यार? ऊपर से यहाँ पे ना स्लीपिंग आइलैंड का लफड़ा वो भी बरकरार है, जो भी नॉन फाइटिंग विचेस है ना भाई वो सब के सब है ना जाके टीली के चाटती है, टीली के अंदर आती है, टीली सबको सपोर्ट करती है। जो देख के मुझे बहुत ही गुस्सा है ना भाई, मुझे बैंड बजाना है टीली का यार। उतने में इसके अंडर में काम करने वाली एक विच आती है, वो आते कहती है लफड़ा एक लफड़ा हो गया माई लेडी, वो कहती बोल भाई क्या लफड़ा हुआ ये बताती भाई। टीली ना एक विच को अपने अंडर में लिया, मालूम उसका क्या नाम है? एनी उसका नाम है। हैडी कहती हाँ तो उसमें क्या हो गया? ये कहती यार आपको याद नहीं भाई वुल्फ ऑफ किंगडम में थे एनी नाम की एक विच मिली थी सामने से, कहती अच्छा ऐसी विच जिसको हमने रिजेक्ट किया था बहुत पहले और ये इसके अंडर में है। अगर आपको याद होगा जो एफी के साथ है ना एक विच यहाँ पे थी उसी का नाम एनी था जिसको इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया था, हाँ तो उसी को बेसिकली तिली ने अपने अंडर में ले लिया। ये दूसरी विच अच्छे से ज्ञान यहाँ पे फैलना चालू कर दी, केवल मैंने देखा उसको ना जो पहले से यहाँ पे था जहाँ पे सब सारी विचेस रहती है वहाँ पे ले जाया जा रहा था, और शायद उसकी जो तबीयत है ना उसकी तबीयत यहाँ पे खराब है। हैडी पूछते सच्ची में एनी थी ना? वो कहती हाँ कोई और विच होती शायद पहचान ही पाती, लेकिन एनी को मैंने पहचान ली, भाई उस साल पहले ना वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आई थी जो फाइटिंग विच थी जिसको हमने ले लिया था, अरे एफी यार अपनी, इसलिए मैंने पहचान लिया। सामने से कहती एफी को लाई थी, अरे यार तो भाई मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि ऐसे विचेस को जान से मार के खत्म कर दो, तुमने एनी को जान से उससे मैं नहीं मारा था क्या? वो कहती मैंने मारा था, मैंने जान से मारा था, आपने जो ऑर्डर दिया था मैंने वैसे किया, लेकिन आई डोंट नो कैसे यहाँ पे जिंदा बची है। तो हैडी भी कहती अच्छा ठीक है भाई तेरे ऊपर अपन यहाँ पे विश्वास करती हूँ, लेकिन अभी के लिए तुमने क्या बोला उसको पैलेस में ले जाया गया है और उसको कोई बीमारी है क्या? वो बताती है उसको कोई बीमारी यहाँ पर है, शायद उसके लंग में ऐसा जो बोलते हैं ना भाई कोल्ड यहाँ पे लग गया है तो शायद बीमार है, तो भाई इलाज उलाज यहाँ पे करवाया जाएगा। हैडी कहती है काम करो जो साजी यहाँ पर है ना साजी को लेके जाओ, उसके बारे में अच्छे से पता करो कि भाई एनी ने कभी साजी को यहाँ पे देखा नहीं है, उसको पहचान ही नहीं, उसने हमें या तुझे देखा तो यहाँ पे पहचान लेगी, हाँ तो ऐसी कहते साजी नाम के बीच को लेके जाया जाता है। वो यहाँ पे चेक करके वापस आती है, लोग पूछते बताओ भाई कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ? एक कहती है जैसा इसने बोलता ना सच्ची में उसको लंग में कोल्ड यहाँ पे लग गया, अभी चारी की हालत है ना बहुत ही ज्यादा खराब है। हैडी कहती हाँ तो भाई क्या उसको मरने के लिए ऐसा छोड़ देंगे या फिर कुछ ना कुछ तो लोग प्लान कर रहे होंगे ना? जो सुनते बताती है या वेस्टर्न एरिया में जो बॉर्डर सिटी आता ना वहाँ पे कोई विच है जो लिटरली किसी भी टाइप की बीमारी को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, और एनी को भी वहीं पे भेजने का प्लानिंग चालू है। जो सुनते इसको और भी गुस्सा आता है कि फिर से वेस्टर्न एरिया भाई जहाँ पे मेरी विचेस भी जाके मुझे यहाँ पे धोखा दे दिए। सामने से एक और विच इसके साथ ही उससे पूछती बताओ भाई तुम उसको जहाँ से यहाँ पे मार दोगी ना आराम से? वो कहती मेरे पास पीस ऑफ डेट है, उससे मरवाना चाहती हो क्या? लेकिन क्यों आप क्यों मरवाना चाहती हो? जो सुनते हैडी कहती भाई समझो क्योंकि हमारे जो एसोसिएशन है ना वो उसकी गद्दार यहाँ पर है, और ज्यादा डिटेल में मत पूछ भाई क्या गद्दारी क्यों क्यों गद्दार है, मैं डिटेल में पूछ मैं कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ, बस उसको यहाँ पे मरवा डालो। लाल वाले बीच कहती लेकिन, सामने से हैडी कहती लेकिन क्या तुम्हारी लीडर यहाँ पे कौन है? मैं हूं ना भाई, मेरी बात मानोगी या फिर नहीं मानोगी? सामने से लोग डर जाते हो, कहते हैं मानेंगे, आपने बोला ना भी मरवा डालने का हम मरवा डालेंगे। हैडी भी कहती गुड 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 गुड, तो कि भाई आराम से मरवा डालना ऐसा कि भाई किसी को यहाँ पे मालूम ही ना चले, और अभी के लिए जाके उससे मिलते हैं। तो उस कमरे में जाती है जहाँ पे आनी थी, और कैमेलिया नाम की जो विच थी जो टीली के अंदर में आती है वो बेसिकली उसका ध्यान रख लेती। कैमेलिया कहती हेलो भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैडी कहती मैंने सुना भाई वुल्फ ऑफ किंगडम से कोई विच यहाँ पर आई है जिसकी हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है, तो हम भी देखने के लिए आ गए यार विच है भाई, तो हमको भी टेंशन होता उसके बारे में। तो सामने से कैमेलिया समझाती है कि हाँ हे अभी सो चुकी है तो मिल नहीं सकती, तो एक काम करो उसको अकेला छोड़ के दफा जो यहाँ से
जो उसने सामने से एडी कहती यार ऐसा मत बोलो क्या ना भी, हाँ हमारे पास एक बीच यहाँ पे थी जो कि भाई गलती से गुम गई थी और उसका नाम भी एनी यहाँ पे था, तो एक बार यहाँ पे देख लेने दो। जो सुनने के मेलिया कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ठीक है चलो मैं सामने से मिलवा डालती हूँ तुमको। हाँ तो उस कमरे के अंदर लेके जाती है जहाँ पे सो रही थी एनी, तो सामने से भाई जो प्लान यहाँ पे था जो हेडी यहाँ पे थी ना कैमरे के साथ बातचीत करके उसको बिजी यहाँ पे कर देती है, वो जो दूसरी बीच यहाँ पे थी ना उसी मौके को फायदा उठा के अपना पीस ऑफ डेट टेक्निक यूज करके उसको जान से मारने वाली थी, लेकिन अपनी कैमेलिया वहीं पे आ जाती है उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है साली तू उसको मारने वाली है, पीस ऑफ डेट से तू बिल्कुल भी मार नहीं सकती साली समझ गई। और मालूम चलता जो एनी लेटी हुई थी ना रियलिटी में एनी वहाँ पर लेटी हुई नहीं थी, उसका बस इल्यूजन यहाँ पे बना हुआ था। सामने से हेडी भी देख के पहचानती है, कहती है आक्रमण करो भाई इस कैमेलिया पे, कैमेलिया पे आक्रमण होता है, कैमेलिया भी रियल यहाँ पे नहीं थी वो भी बेसिकली इल्यूजन यहाँ पे थी क्या ना। कमरे के बाहर शेडो नाम की बीच है जो तिली के लिए काम करती है वो इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकती है, हाँ बिल्कुल अपने समझ ऐसी, तो वो सामने से मालूम चल जाए तो वो पक्का होगी, इसलिए अटैक करो उसके ऊपर आग से। तो इसके साथ जो लाल वाली बीच थी ना वही आग का अटैक करती है, तो जैसे अटैक करती है उस शेडो को लगता है शेडो जोश यहाँ पे चिल्लाते कह अरे मम्मी रे गई अरे प्लीज हमको बचा लो, उतने में हेडी और बाकी सब निकल के घर के बाहर भागते हैं, लेकिन सामने से भाई अपनी एंड्रिया और ऐश यहाँ पे खड़ी हुई थी। हेडी समझ जाती भाई धोखा हमारे साथ हुआ, ये सब स्टार्टिंग से उन्होंने प्लान यहाँ पे किया था कि इल्यूजन डाल के फंसाएंगे ताकि हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ले और एंड में हमको फंसा के पकड़ लें। सामने से ऐश कहती है एक मौका अभी भी दे रही हूँ चुपचाप हार मान जाओ, तो भाई हम तुमको जहाँ से मारेंगे नहीं। सामने से वो भी सोचती भाई ऐसे कैसे यहाँ पे हार मान जाऊँ, जो आग वाली बीच थी ना उसको बोलती तू ऐश के साथ यहाँ पे फट कर, दूसरी जो बीच यहाँ पे थी मारने वाली उसको कहती भाई तू इसको मार भाई, अरे इसको बोलते भाई क्या बोलते शेडो को मार और ये बात एंड्रिया को उसको जिंदा छोड़ दे होस्टेज बना के यहाँ से निकलेगा, खुद वहाँ से निकल रही थी लेकिन क्या एंड्रिया भाई बैंड बजा देती है हेडी का और जोर से अटैक करके उसको गिरा देती है। वही हरे वाले वाली आती है उसके पास और कहती है अरे मालकिन आप यहाँ पे ठीक हो ना, एंड्रिया उसके सामने आती है और कहती कि साली यहाँ पे हार मान जा वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान से मारने का मन करे लेकिन लेडी टिली ने भाई तुझे जान से मारने का ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि भाई उनको सामने से कुछ यहाँ पे चाहिए तेरे द्वारा वो मिल जाएगा प्लस सबूत भी पक्का यहाँ पे मिल जाएगा ना, तो हम भाई तुझे सच में जान से खत्म कर सकते हैं। सामने से हरे बाल वाली कहती कि क्यों 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 भाई नहीं नहीं इन्होंने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया है यार, उसने हमको धोखा यहाँ पे दिया था हमारे एसोसिएशन को इसलिए उसको मारना यहाँ पे चाहा। जो सुंदर कहती है अच्छा ऐसी बात है एनी ने धोखा दिया था, जहाँ तक मुझे मालूम है एनी ने कभी तुम्हारा एसोसिएशन ज्वाइन ही नहीं किया था, वो तो भाई हेडी ने जोड़ यहाँ पे बोला था एनी ने तो सच्ची में ज्वाइन ही नहीं किया, उसका पूरा दिमाग यहाँ पे खराब किया। अरे यार अरे यार अरे यार मुझे कुछ भी हो जाए यार यहाँ से निकलना है, मतलब निकलना है, कोई अटैक यहाँ पे था वो निकाल के सीधे एंड्रिया के ऊपर कर देती है, लेकिन जो एंड्रिया ना एंड्रिया पे अटैक लगता नहीं है क्योंकि भाई उसने मैजिक स्टोन यहाँ पे पहन के रखा था। देखो फाइटिंग विच यहाँ पर है तो फाइटिंग विच के ऊपर है ना भाई वैसे भी मैजिक स्टोन का कुछ खास असर होता नहीं है इसके चक्कर में। हाँ तो सामने से भी चौंक जाते भाई मैजिक स्टोन, सामने से एंड्रिया कहती है यस मैजिक स्टोन, तो भाई अब हार मान जाओ वरना कोई और रास्ता बचा नहीं है, तो लोग भी मजबूरन हार ही मान जाते हैं और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।